इस पोर्टल को लेकर कमेंट बॉक्स में काफ़ी दोस्तों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें इस पोर्टल का जो लिंक है वो हमें दे दें, हम इस पोर्टल को कहां से सर्च कर सकते हैं और किस तरीके से इस पोर्टल को लॉगिन करके अपनी इमदाद को चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉगिन हासिल करना चाहते हैं, अगर आप लॉगिन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर से देखना है, क्योंकि आज मैं आपको समझाऊँगा किस तरीके से आप इस लॉगिन के ज़रिए अपनी इमदाद को चेक करेंगे और ये लॉगिन आपको कहाँ से मिलेगा। मुकम्मल तफसीलात, मुकम्मल डिटेल जानने के लिए आज के इस वीडियो का साथ आपने बने रहना है। तो चलिए गाइस, बिगेट टाइम इसके वीडियो जान पर, तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आज के नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिगेट टाइम इसके वीडियो जानी बढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो लॉग इन है ये आपको मैं यहां पर तो दिखाने वाला नहीं हूं, अगर आप यही देखेंगे तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाएंगे, मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। लेकिन इसको इस्तेमाल करने के बारे में चंद इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर आपको एक वेबसाइट का यूआरएल नजर आ रहा होगा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अदरवाइज यहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं। 8171 जहां पर आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन bisp.gov.pk, जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद यहां पर आपके सामने एक शनाख्ती कार्ड का सेक्शन दिया गया है। शनाख्ती कार्ड के सेक्शन में आपने क्या करना है, अपना जो शनाख्ती कार्ड नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको बताया था, कल को कह रहा हूँ, सुबह को मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि आप अपनी शनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी इमदाद को इस पोर्टल के जरिए चेक कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से अफराद, किन किन अफराद को कौन कौन सी इमदाद मिली है, वो उसके बारे में जानने के लिए आपने क्या काम करना है, इसको सबसे पहले सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने शनाख्ती कार्ड आएगा, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख भी सकते हैं कि फ्लड रिलीफ 2022, फ्यूल रिलीफ 2022, इसका जो विड्रॉ है ये बंदा करवा चुका है, जिसका भी आईडी कार्ड है, जिस खवातीन का आईडी कार्ड है या फिर जिस मर्द का आईडी कार्ड है, वो इसका जो विड्रॉ है वो करवा चुका है। इस तरीके से आपके पास भी मैसेज हो रहा होगा और आप अपनी इमदाद को रिसीव करना चाहते हो तो आप किसी भी करीबी अलहबीब बैंक यानी HBL कि ATM पर चले जाएं, वहाँ से जाकर अपना शनाख्ती कार्ड दें, शनाख्ती कार्ड के जरिए अपनी इमदाद को चेक ले सकते हैं। और अगर आप इस लॉगिन लेना चाहते हैं तो ये जो लॉगिन है इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप वहाँ से जाकर इजीली कॉपी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज एक वेबसाइट का यूआरएल दिया गया, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा। तो उम्मीद है मुख्तसर सी अपडेट थी, मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।